हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आए हो अच्छे होंगे तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सुबह सुबह मैंने ले लिया आलू के पराठे, ये देखिए नाश्ते में। तो सुबह सुबह नाश्ते में मैंने ले लिया आलू के पराठे और ले लिया है बटर। आलू का चालू आ जाओ नाश्ता कर लो। तो भाई बटर देख के तो भाई मम्मी पापा सब जा चुके हैं, मैं और बस कायरू है। और कायरू को भाई सबको मैंने टीवी चला के दिया और मेरा दुनिया भर के काम पड़ा है, जैसे बर्तन है, झाड़ू पोछा और तो और मशीन कल मैंने लगाया नहीं था तो मशीन है दोबारा चलने को। तो सारा काम छोड़ के मैं कर रही हूँ आराम। और अभी कितना बज रहा है? 12 बज रहा है अभी। तो 12 बजकर मैं अभी कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ। काम करने खड़ी होंगी तो हो जाएगा एक घंटे में, पर आलसी सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि लेटे रहो लेटे रहो, है ना कारू कारू। क्योंकि कल मैं कह भी रही थी ब्लॉक में कि हाथ पर दर्द हो रहा, तो लगता है शायद बुखार बुखार सा, और दवाई भी नहीं है तो मैं इनसे दवाई मंगवाऊँगी शाम को, तब खाऊँगी। थोड़ा सा लग रहा है फीवर फीवर सा और आवाज़ आ रहा होगा आप लोगों को बहुत, क्योंकि पंखा चल रहा है। कूलर कब तक चल सकता है? पूरी रात भर कूलर चलता है तो कूलर को थोड़ा आराम दिया गया है, पंखा चल रहा है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा होगा आप लोगों को। लो आप खुद से चेंज कर लोगे? करो, क्या लगाना है आपको बोलो। डांगों से लग गया कि नहीं? बच्चे को कार्टून का नाम बताने की जरूरत। उल बाबा डंगसोंग आ गया, डंगसोंग आ गया। तो वही इनको लगाया हमने डायनासोर, और हमें लेटने से फुर्सत नहीं है, मतलब लेटने से कुछ होगा नहीं है। डंगसोंग तो लगा दिया बेटा, मौसम फिर से ऐसे ही खराब हो रहा है कल के टाइम में। तो मौसम हो गया कल, पंखा यार बहुत ज़्यादा आवाज कर रहा, बंद कर देती हूँ। तो मौसम हो रहा कल की तरह ही खराब, बारिश ना हो जाए यार। कल मशीन लगाई नहीं तो आज लगाना ज़रूरी है, तो कपड़ा हो जाएगा बहुत। ऑफिस की निकल आए इनकी पैंट शर्ट वगैरह तो वो धोना ज़रूरी है। चाहे मशीन लगाऊँ या ना के आ चुकी हूँ। मांग मैंने भरा ली और सीधे किचन में आ चुकी हूँ। देखिए आप, देखिए कौन है आप। हाँ शायद दादा आ गए। दादा लो पापा। हाँ कायरू के आए हैं दादा और कायरा। आ जल्दी आओ, आ दादी आ रही, आओ। गेट तो बंद किया नहीं आपने, बोतल उठाओ। आ दादी आए हैं, आ जल्दी आ जल्दी आ फर्स्ट। आज भाई कायरू भाई साहब ने बहुत लेट किया और मैं स्पेशल दाल बना रही हूँ आज, एक स्पेशल ये भाई, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ पालक दाल। क्योंकि मैं ले लो, यस। तो भाई हमारे कायरू भाई साहब खाना खा रहे और मैंने दाल पूरी तैयार, मतलब पूरी छोंक छाक के चढ़ा रही हूँ। बस लाल मिर्च और लहसुन का तड़का लगाऊंगी मैं। तो भाई हमारे हो गए लाल मिर्च खत्म, और लाल मिर्च रखा था, मुझे लगा था कि शायद नहीं रखा, पर मैंने देखा तो रखा था। बहुत सारी चीज़ें आजकल मैं भूलने लगी, याददाश्त वगैरह कम हो गया मेरा। मसूर की दाल में एक ही सीटी लगाऊंगी, मैं कर दूँगी गैस बंद, क्योंकि मसूर की दाल जल्दी घुल जाती है। और ये आप क्या कर रहे हो? चावल कौन पानी के अंदर डाल के खाता बेटा? मेरा बच्चा। कायरू के दम तो है ना कायरू? ओरे बापले, मम्मा उठा ले। हाँ बाले बापले। तो भाई मम्मी लेके आई है और चिप्स और जूस। अच्छा रुको मम्मा दे दिए। तो इनकी चिप्स निकल गई और जूस रखने थे, जूस।
पापा की खाना निकाल दिया मैंने, और यहाँ डांस करके कौन दिखा रहा है हमें? अच्छा डांस करके बताओ, भाई भाई की खाना दे दिया ना मम्मा ने, वो रखा ना, खाओ जाओ, चलो ना पहले खाना खाओ, पहले आपको खाना खिला दे मम्मा, आप जल्दी आओ जल्दी। आपकी कार्टून चला दे, कार्टून को क्या हुआ? सेल इसका खराब हो गया बेटा, चल ही नहीं रहा, चलो छोड़। खाना पीना हो चुका है दोपहर का, और बर्तन वगैरह मैंने सब धो के रख दिया है, थोड़ी सी चावल बची है तो बचे रहने दो, वो काम आएंगे रात को, पर रात को देखते हैं सब्जी क्या बनाता है। मेरे तो अभी से टेंशन हो जाता है, अभी खाओ तो शाम को क्या बनेगा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है खाने का, अगर कोई बता दे तो आसानी से रहता है, वरना सोचो तो सबसे बड़ा मुसीबत तो है, बनाने से ज़्यादा मुसीबत सोचने का है ना कायरू? ये तो बाबू चाहिए, कोई हवा चल रहा था तेज इसलिए मैंने कपड़े उठा लिए सारे, और किसी की पैंट भी डला था नीचे ब्लू कलर का, तो इसलिए पापा मुझे दिखा रहे थे कि अपनी तो नहीं है, और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि कपड़े डले और हवा चल रही तेज, और नीचे का जो कपड़ा था हम जो जो मैंने रेलिंग पे डाला था उसमें क्लेप नहीं था। आज भाई साहब को मैं सुलाऊंगी नहीं, क्योंकि कल रात को ये 1:30 बजे सोए और बहुत परेशान किया, तो कपड़े मैंने उठा दिए, मैं सोच रही थी थोड़ी देर लेटूं मूवी देखूं, पर ये भाई साहब और ये कपड़े वहाँ से ये दोनों मुझे सोने नहीं दिए। आ जाओ बेटा, तो भैया उस रूम से लेके आई, उस रूम में कपड़े, तो मैंने सोचा अब क्या सोना, अब टाइम हो गया है 5:20 हो गया, तो मैंने कहा क्या सोना, और कपड़े अपने तय करूँगी, फिर मैंने सोचा कि इनके कपड़े भी है कुछ प्रेस करने को तो वो भी करूँगी, तो 6:30 हो जाएगा, तो वही ये है बैठने की टाइम कहाँ मिलता है लोगों को। हेलो गाइस, मैं आई हूँ कम से कम 4-5 घंटे के बाद आप लोगों के सामने, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं था और मैं लेटी थी, इनसे मैंने कहा था चाकू दे दो, इन्हें 2-2 चाकू दे दिए, ये 2-2 चाकू क्यों दिया आपने? क्योंकि हाथ पर दर्द हो रहा है और फीवर फीवर जैसे लग रहा है, तो मैं बड़े मुश्किल से 9 बजे उठी, उठ के फिर मैंने आलू की सब्जी बनाई और रोटी बनाई, और कार पापा तो आलू की सब्जी खाते नहीं है तो बैगन फ्राई कर रहे हैं अपने लिए, और मैं सुबह के लिए भिंडी काट रही हूँ। चाहे अभी उठो ना उठो लेकिन सुबह का तो तैयारी ज़रूरी है, क्योंकि सुबह फिर एकदम से उठा नहीं जाता, और कारी को आज दोपहर में सुलाया नहीं था तो कार सो गया, खाना पीना भी नहीं खाया इसने, और अभी 10 बज रहे हैं, तो आज की ब्लॉग मैं यही समाप्त कर रही हूँ, और कोशिश करूँगी कल से अच्छे से मतलब ब्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि आज का ब्लॉग तो ऐसे ही था, थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक था तो मैं आगे का कंटिन्यू नहीं कर पाई शाम का, तो कोशिश करूँगी कल कि प्रॉपरली आप लोगों के संग में रहूँ, क्या पता कल और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए, पर ऐसा होगा नहीं, मैं सोच रही हूँ दवाई खा लूँगी, दवाई खा के सो जाऊँगी तो शायद ठीक लगेगा, तो आज के ब्लॉग में यही समाप्त कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।